Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I completed our chapter number 6 as you all know that and I hope that you all have understood the whole chapter very well. Today I am going to start and explain our exercise of chapter 6 with all the answers. So please listen and watch this video carefully. First question is answer the following questions. And first is write about the United Nations and its एम यूनाइटेड नेशन और उसके एम के बारे में लिखना है. सेकंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. एंड थर्ड है राइट इन ब्रीफ अबाउट कंसेक्वेंसेस ऑफ कोल्ड वॉर. इन सभी के आंसर्स मैं आपको साथ में बताऊंगी. तो लेट्स सी द आंसर्स. तो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है कोल्ड वॉर के कंसेक्वेंसेस वो आपको यहाँ से लिखना है. सेकंड पैराग्राफ जो है कोल्ड वॉर के अंदर ये टॉपिक भी मैंने बता दूँ आपको कोल्ड वॉर रीज़न एंड कंसेक्वेंसेस. तो ये सेकंड पैराग्राफ है उसमें पूरे रीज़न बताए गए हैं. तो यहाँ से आपको पूरा पैराग्राफ ख़त्म करना है. अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था फर्स्ट था जो यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एम. तो ये पूरा टॉपिक आपको लिखना है यूनाइटेड नेशंस चैप्टर की शुरुआत में है. अब जो सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में आपको डिस्कस करना है. तो ये सर आपको यहाँ पे लिखना है. अब देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिसइंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. फिफ्थ है डिस्कस इन ब्रीफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. एंड लास्ट है मिलिट्री ब्लॉक नाटो सीटो वॉर्सो पैक्ट. तो अब हम देखेंगे इसके आंसर. रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये आंसर लिखना है. फिर पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला जो टॉपिक है उसमें अंदर आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको आंसर के अंदर लिखना है. देन नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री ग्रुप्स के बारे में ये रहा. तो ये मिलिट्री ग्रुप्स के बारे में ये आपको लिखना है. नाटो सीटो सेंटो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ये आंसर आपको लिखना है. अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. फर्स्ट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हाउ डिड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर ब्लॉक्स कॉज द सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट. सेकंड है व्हाट वर पंडित जवाहरलाल नेहरू थॉट ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. एंड थर्ड है व्हाट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी व्हाई इंडिया हैज नॉट साइन इट. तो उसके अंदर हम देखेंगे पहले नॉन अलाइन ट्रीटी थर्ड वाला क्वेश्चन कि उसमें तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी वो यहाँ पे आपको ये जो आंसर है वो लिखना है. फिर है नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे. तो आपको ये लिखना है. नॉन अलाइन मूवमेंट अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली अपना देश बड़ा कर सकते हैं और पुअर देश जो है गरीब देश उनकी हेल्प कर सकते हैं. हथियार बनाने में खर्च करने से बेहतर है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे जो दो पावर ब्लॉक थे उनके बीच में कैसे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. तो कन्फ्लिक्ट मीन्स यहाँ पे कोल्ड वॉर का टॉपिक ही आएगा. तो ये आंसर आपको लिखना है. अब देखेंगे हम हमारा थर्ड क्वेश्चन दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट क्यूबन क्राइसिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड बर्लिन ब्लॉकेड. वन बाय वन हम सभी आंसर देखेंगे. एक शॉर्ट नोट का आंसर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. तो ये पूरी शॉर्ट नोट आपको ये टॉपिक आपको लिखना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाला. अब बर्लिन ब्लॉकेड वाला जो आंसर है वो आपको इस टॉपिक में से मिलेगा.
जर्मनी पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो इसके अंदर से आपको लिखना है आफ्टर द वॉर टू इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट केम इन टू एग्जिस्टेंस, नेमली वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी। एज जर्मनी थ्री सेगमेंट्स वर यूनाइटेड, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स ऑफ बर्लिन ऑल्सो यूनाइटेड। इन अ रिएक्शन टू दिस, सोवियत यूनियन इन अप्रैल 1948 डिक्लेयर्ड बर्लिन ब्लॉकेड। Tremendous tension between Soviet Union and Western countries. Later on, high and 42 kilometer long separate Western and Eastern Berlin was constructed. यह जो बर्लिन वाला पूरा टॉपिक है ना, वो आपको लिखना है। क्यूबन क्राइसिस वाला जो है, तो वो एक तो दोनों टॉपिक, दोनों आंसर एक ही में मिल जाएंगे। आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट वाली शॉर्ट नोट पहली है वो, तो ये पूरा टॉपिक आपको डिसआर्मामेंट और आर्मामेंट में पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है, जितना भी टॉपिक है जहाँ तक है। दूसरा क्यूबन क्राइसिस तो उसी के अंडर है आंसर। तो यहाँ से ये जो हमारा पैराग्राफ है, अमेरिकन डिक्लेयर्ड ब्लैक ब्लॉकेड ऑफ कम्युनिस्ट क्यूबा, यहाँ से यहाँ पूरा पैराग्राफ आपको क्यूबन क्राइसिस के आंसर में लिखना है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रीजंस द फॉलोइंग। फर्स्ट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। एंड सेकंड, क्यूबन क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो आपको रीजन में लिखना, क्यूबन क्राइसिस का जो एपिसोड है वो लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि इट बिगिंस कम्युनिकेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स, दिस इंसिडेंट इज इम्पॉर्टेंट टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंटायर क्यूबन क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हो गई थी तो कोल्ड वॉर एंड हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ईच स्टेटमेंट एंड राइट डाउन द आंसर। एमसीक्यूएस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिगिन। यूनाइटेड नेशन का चार्टर कैसे स्टार्ट होता है? डिक्लेरेशन लेटर से, फॉरवर्ड से, ह्यूमन राइट्स से, कि कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है? तो यहाँ पे तो आंसर ऑप्शन कोई अलग ही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो प्रैम्बल से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रैम्बल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर अगर हम प्रैम्बल के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। अब सेकंड है, विच ऑफ दिस इवेंट इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किस वजह से स्टार्ट हुआ था? बर्लिन ब्लॉकेड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, जर्मन मिरेकल, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन के पूरे ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दिए गए, क्योंकि कोल्ड वॉर तो इन सभी ऑप्शंस जो दिए हैं उससे पहले ही हो गया था, शुरुआत में हमने देखा था। बर्लिन ब्लॉकेड बाद में हुआ, जर्मनी का डिसइंटीग्रेशन भी बाद में हुआ था, यूनिफिकेशन भी बाद में हुआ था, जर्मन मिरेकल भी बाद में हुआ था। तो इसके अंदर भी पूरे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। अब थर्ड देखिए, तो विच आइडियोलॉजी वॉज फॉलोड बाय अ कंट्रीज कमिंग अंडर लीडरशिप ऑफ यूनियन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो है वो, उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है उन लोगों ने कैसी पॉलिसी अपनाई थी? डेमोक्रेटिक, इम्पीरियलिज्म, सोशलिस्ट या लिबरलिज्म? तो आंसर विल बी लिबरलिज्म, आंसर लिबरलिज्म। अब फोर्थ है, हु वॉज द प्रोमोटर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में नॉन अलाइन मूवमेंट को किसने प्रमोट किया था? तो आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ इज, विच पॉलिसी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल पॉलिसीज पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस पॉलिसी ने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एस्टैब्लिश किया है? तो आंसर विल बी नॉन अलाइंड पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर सिक्स की एक्सरसाइज। मैं फिर से बता दूं कि इसके जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शंस में कोई मिस्टेक है, तो उसको मैं फिर से देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले इन दोनों के आंसर बताऊंगी। इसके अलावा के सारे आंसर मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज के आंसर के साथ आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।